होता है। बिल्कुल, खबरों में आगे बढ़ जाते हैं और पेपर लीक का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि पेपर लीक बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। चालू बिल्कुल, पेपर लीक पर सरकार ने राज्यसभा में जानकारी दी। मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा यूपीएससी में नहीं हुआ पेपर लीक। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि दो वर्षों में यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होने की कोई घटना सामने नहीं आई है। तो बिल्कुल देखिए, साफ कह दिया गया है कि यूपीएससी और एसएसपी की परीक्षाओं में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस बात का साफ साफ जिक्र किया है कि पर्याप्त सबूत नहीं मिले। अब खुद जितेंद्र सिंह सामने आए हैं और उनकी तरफ से बयान सामने आया है कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। दरअसल सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में ये बताया कि पिछले दो सालों में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, तमाम परीक्षाओं का जिक्र यहाँ पर किया, परीक्षाएं आयोजित की गई है, पेपर लीक की कोई घटना सभी में सामने नहीं आई है। ऐसे में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह भी लिखा है जवाब में कि हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए का यहां पर उन्होंने जिक्र किया और कहा कि एनटीए ने 5 मई 2024 को पेन एंड पेपर मोड में नीट यूजी का आयोजन किया था। कथित अनियमितता, धोखाधड़ी, गलत आचरण के वजह से कुछ मामले सामने आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन उन्होंने इस बात का साफ जिक्र किया है कि समीक्षा के बाद विस्तृत जांच के लिए मामला 22 जून 2024 को सीबीआई के हवाले कर दिया गया था और सीबीआई के हवाले करने के बाद पूरे ही मामले की गहनता से जांच की गई है। जांच में स्पष्ट हो गया है कि कुछ लोगों की कमी रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कई गिरफ्तारियां हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा से परीक्षा का आयोजन किया जाए, जिसकी मांग लगातार हो रही थी, क्योंकि पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं कि पेपर लीक हुआ है। हम ये भी कह रहे हैं कि कुछ हद तक गड़बड़ी हुई है, वो गड़बड़ी पता कर ली गई है, जिनकी वजह से गड़बड़ी हुई है उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, देखिए नीट में जिस तरह से अनियमितताएं मिली थी उसके बाद से शिक्षा प्रणाली पर कई सारे सवाल जो है वो उठने लगे थे कि एजुकेशन सिस्टम हमारा किस ओर जा रहा है। और एजुकेशन सिस्टम में जब हम बात करते हैं तो देखिए आपको याद होगा कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं तो दूसरी तरफ इकोनॉमिक सर्वे आपको याद होगा जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ये आंकड़े पेश किए और कहा कि अगर हम बात कर लें अपने देश के युवाओं की तो 51.25% युवा आज भी ऐसे हैं जो कि एजुकेटेड तो है लेकिन उन्हें जॉब पर नहीं रखा जा सकता, यानी वो शैक्षिक हैं, उनके पास योग्यता है लेकिन आप समझिए कि उन्हें नौकरी पर नहीं रखा जा सकता है। तो एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना फेल हो चुका है और पिछले 10 साल में आप समझिए कि अगर इस तरह के जो आंकड़े हैं वो वित्त मंत्री सदन में रखती हैं तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो हमारे ऊपर लगता है, यानी एजुकेशन सिस्टम पर लगता है, जिसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो एक तरफ पढ़ाई उस लेवल की नहीं हो रही तो दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट नहीं, और तीसरी तरफ अगर पेपर लीक होने लगेंगे तो एजुकेशन सिस्टम लगातार सवालों के घेरे में आ जाएगा। बिल्कुल, देखिए इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि एक नियम का भी जिक्र उन्होंने किया है अपने जवाब में। जब वो जवाब दे रहे थे, जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से सवाल उठ रहे, उनका जवाब वो दे रहे थे, तो उन्होंने एक नियम का जिक्र किया है। वो नियम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग रोकने के लिए सरकार ने लोक परीक्षा अधिनियम 2024 बनाया है, जिसे लागू कर दिया गया है और नियम भी अधिसूचित है। ये नियम फैब में बनाया गया था लेकिन इसको अभी हाल ही में लागू किया है। इस नियम का जिक्र किया है, इस नियम को लेकर के तमाम चर्चाएं भी हुई है कि इस नियम को पहले लागू करना चाहिए था। देखिए, जब हम एनटीए का जिक्र करते हैं तो तमाम ऐसी संस्थान है जो परीक्षाओं का आयोजन करवाती है लेकिन किसी भी संस्थान के पेपर लीक नहीं होते सिवाय एनटीए की। जब से एनटीए का गठन हुआ है यानी कि 2018 से जब से एनटीए का औपचारिक ऐलान हुआ है तब से ही अब तक जितनी भी परीक्षाएं कंडक्ट करवाई गई है हर एक परीक्षा में धांधली हुई है, ऐसा आरोप लगातार एनटीए पर लग रहा है। अब जब एनटीए का खुलकर के विरोध हो रहा था तो सरकार की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा था, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये भी आरोप लग रहे थे कि सरकार एनटीए को बचाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, अब देखते हैं।